है फिजिक्स का, एक जो है कि इसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन है। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है या मोशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे स्पीड पढ़ेंगे, फिर जो है वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको डिस्कशन करेंगे। तो रेस्ट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि ये हमारा एक पोल है बिजली का सपोज करो, और यहाँ एक आदमी, ये एक पर्सन बैठा हुआ है, ये पर्सन है। अगर इस पर्सन का पोजीशन ये जहाँ पे है, अगर टाइम के साथ, टी है टाइम, टाइम के साथ अगर चेंज नहीं करता है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन रेस्ट। हम क्या कहेंगे कि ये रेस्ट में है। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को जो है, इसी ऑब्जेक्ट का जो है पोजीशन जो है, अगर टाइम के साथ चेंज करने लगे, यानी कि यहाँ पे ये हमारा पोल है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, ये अभी सपोज करें कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे है, और ये जो है कि 2 मीटर था, और फिर देखें कि दूसरे 1 सेकेंड के बाद जो है कि ये 4 मीटर पे आ गया, 4 मीटर यहाँ से, ठीक है, रेफरेंस ये पोल से हमारा ये 4 मीटर पे आ गया अगले 1 सेकेंड, यानी कि टाइम के साथ इसका जो है पोजीशन चेंज होता है, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, फिक्स्ड पोल इज कॉल्ड मोशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपका पोजीशन जो है टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोशन। अब मोशन जो है ये डिपेंड करता है कि मोशन जो है आपका किस तरह का है। कभी कभी क्या होगा, टाइप ऑफ मोशन का बात जब होगा, मोशन कैसा है, मान लिया जाए कि यहाँ हम देखें, अगर टेबल बना ले तो उसका कि ये हमारा जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस को एस से और टाइम को जो है टी से, तो कोई मान लिया जाए कि 2 मीटर चला, डिस्टेंस इन मीटर है, यूनिट इसका मीटर होगा, और टाइम क्या होगा, सेकेंड में। तो सपोज करें कि 2 मीटर हमने देखा कि ये 4 सेकेंड में 2 मीटर चला, तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर हो जाता है, ये टाइम 8 सेकेंड लगा, फिर मैंने देखा कि ये जो है 4 मीटर हुआ, फिर जो है कि ने देखा कि ये 6 मीटर हो गया, और ये टाइम जो है कि ये 16 सेकेंड लगा। तो क्या देख रहे हैं कि हर 4 सेकेंड के बाद इसका डिस्टेंस जो है 2 मीटर बढ़ जाता है, यानी कि 2 मीटर था 4 सेकेंड में, फिर अगले 4 सेकेंड में, यानी कि 8 सेकेंड हो गया स्टार्टिंग से, ये 4 मीटर पे चला जाता है, फिर अगले जो है कि हमने देखा कि ये मान लीजिए कि 8 सेकेंड में इसका डिस्टेंस जो है ये 6 ही मीटर का, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो यूनिफॉर्म रहा, लेकिन उसके बाद देखा कि 16 सेकेंड टाइम हो गया, टाइम डबल हो गया, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो रहा है, 8 से 12 बल्कि 16 हो गया, तो उस समय देखा गया कि ये डिस्टेंस 6 ही मीटर है, तो अब इसको होना चाहिए था क्या, 8 मीटर होता अगर यही, तो हम कहते कि जो है कि ये क्या कर रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इफ
इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कहता ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। यानी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको इक्वल टाइम लग रहा है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ। अब डिस्टेंस जो होगा, जैसे एक में यहाँ ये पॉइंट ए है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको बी पे पहुंचना है, तो बी पे पहुंचने के लिए जो है एक ने ऐसा घूम करके ये पाथ ऐसा ट्रेवल किया, दूसरा पाथ ये था कि यहाँ से लेकर के यहाँ ट्रेवल किया, सपोज करिए तीसरा एक पाथ ये है जो यहाँ से यहाँ तक, पाथ नंबर वन, पाथ नंबर टू एंड पाथ नंबर थ्री, तीन पाथ है, वन टू एंड थ्री। तो तीनों पाथ को जब चूज किया गया, वन टू एंड थ्री, ये तीन पाथ है, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इसमें से कौन सा होगा, क्लियरली आप बता सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है ये हमारा कौन सा है, थ्री है। ए से बी तक पहुंचने में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, थ्री है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ ही जो होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इस शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, या इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन, मींस टू कनेक्ट कनेक्ट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बाई शॉर्टेस्ट पाथ, बाई शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेस को डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये है उठता है कि ये जो तीन पाथ हमने दिखाया यहाँ से यहाँ तक चलते, ये ऐसे अगर कोई चलता है पाथ वन के लिए, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो गया ये कहलाएगा डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ पे भी गया इसको डी वन मान लेते हैं डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक चला तो इसको डी टू मान, दूसरा डिस्टेंस। और यहां से यहां तक जो चला ये शॉर्टेस्ट है तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। यूनिट डिस्टेंस का, यूनिट डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को किस चीज में नापेंगे, इसका यूनिट मीटर है, तो स्टैंडर्ड यूनिट है, ये दोनों के लिए क्या है मीटर। डिस्टेंस नापे तो या डिस्प्लेसमेंट नापे तो दोनों किस में आएगा, मीटर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इस पाथ के लिए कहा जाए फॉर पाथ थ्री, फॉर पाथ थ्री, फॉर पाथ
डिस्टेंस को अगर स्मॉल डी से लिखें और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी से लिखें तो इस केस में दोनों क्या है, सेम है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ से कोई चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन ये पाथ किसके लिए है, थ्री के लिए। बट डी वन इज नॉट इक्वल टू डी, ये किस पाथ के लिए है, पाथ नंबर वन। अब उसी तरह से अगर हम डी टू की बात करें विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू डी, ये पाथ थ्री, पाथ नंबर टू, पाथ टू के। अब इसमें देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ इस पाथ पे अगर कोई चलता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, इस पाथ से चलता है तो डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा, डी ही रहेगा, इस पाथ से भी चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो डी ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस दोनों केस में अलग होगा। तो हम कह सकते हैं इन जनरल कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इन जनरल डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। यानी कि यहां भी देखें अगर हम इस पॉइंट को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या देख रहे हैं कि हर कंडीशन में ये d1 जो है डिस्टेंस है तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, ये d2 भी क्या है डिस्टेंस है, किससे बड़ा है, d से बड़ा है, ये वाला में क्या हो रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जा रहा है। तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा, या हर केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट विल बी देयर रेशियो, क्वेश्चन अगर ये हो जाए डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये अगर बात हो तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू वन होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, या किसी इस कंडीशन में बराबर भी हो जाएगा तो जिस कंडीशन में इक्वल हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस वन के बराबर हो जाएगा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में ये इस कंडीशन पाथ वन की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, इज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इस केस में भी देखें डिस्टेंस डी टू है, डी टू इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि हर हाल में क्या होगा कि आपका इसका रेशियो जो है वन से छोटा होगा या वन के इक्वल हो सकता है, वन से बड़ा नहीं हो सकता है। ये हमारा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। अब आगे आते हैं स्पीड, स्पीड स्पीड क्या होता है, ये होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, स्पीड इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस को किस में नापेंगे, अभी बताए हैं मीटर है, टाइम को किस में नापेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड होगा, जैसे कहीं लिखा हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड का, यानी कि इसका स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा है हमारे पास वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सर है शुरू, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन किसी खास डायरेक्शन में स्पीड अगर हो तो उसको भी वेलोसिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट क्या, डिस्प्लेसमेंट किस में नापते हैं, मेजर करते हैं,
मीटर में, टाइम किस में, सेकंड में, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू पर सेकेंड का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, स्पीड का भी यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, दोनों का यूनिट जो है सेम होता है जिसमें हम मेजर करते हैं। जैसे आप चावल को मेजर करते हैं केजी में, तेल को मेजर करते हैं लीटर में, उसी तरह से वेलोसिटी को मेजर किस में करेंगे मीटर पर सेकेंड में, और डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मेजर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे मीटर में। अब जो है हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, हो गया हमारा, उसके बाद हमारा वेलोसिटी हो गया, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। ये भी अभी हम सारे बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके आगे देखेंगे, इसको न्यूमेरिकल देखेंगे। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग है, ये इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इंक्रीज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है, मान लीजिए एक्सेलरेशन को हम लोग के से डिनोट करते हैं, मान लीजिए ये कोई रेलवे, यहाँ कोई स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन जब खुलती है तो ट्रेन, रेलवे का ट्रेन जो है, मान लीजिए यहाँ पर स्टार्टिंग किया, यू वेलोसिटी से चलना शुरू किया, फिर कुछ टाइम के बाद जब मैं देखा तो इसकी वेलोसिटी वी हो जाती है टी टाइम के बाद, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल का क्या मतलब है, यानी जब अभी मैंने किसी चीज को देखा उस समय जो इसकी वेलोसिटी थी, जो मान लीजिए कि ये था 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद मैंने देखा इसको टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद सपोज कर, अब देखा कि इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस टाइम के बाद जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, इसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो इसके वेलोसिटी में जो इंक्रीज हुआ या जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज बी, इनिशियल इज यू, एंड डिवाइडेड बाय टाइम टी, 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसको अगर आप देखें इसको किस चीज में मेजर करेंगे, ये चेंज इन वेलोसिटी है यानी मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड, ये मतलब नहीं है कि ये जीरो हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड जीरो नहीं होता है, 2 केजी चावल माइनस 2 केजी चावल करेंगे तो 0 केजी तो हो जाए, जीरो हो जाएगा लेकिन यूनिट केजी ही रहेगा। तो ये वाला वेलोसिटी अगर हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, इसमें से 2 मीटर पर सेकेंड माइनस कर लेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड रहेगा, तो यूनिट मेजर करने के लिए मीटर पर सेकेंड तो ऊपर का हो गया इसका, और इस नीचे वाला फिर 1 सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में मीटर पर सेकेंड ऐसे, तो एक्सेलरेशन का ये यूनिट हमारा। अब इसमें इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टी को अगर इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू, और इस यू को इधर लाके अगर हम ऐड कर दें तो वो प्लस में हो गया, तो यू प्लस ए टी इक्वल टू हो गया वी, तो एक इक्वेशन हमारा मोशन का यहाँ पे ड्राइव भी हो गया, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। अब ये एक्सेलरेशन है, इसको कभी कभी हम इस एक्सेलरेशन को एक और नाम भी जानते हैं, उसको डिसेलरेशन भी कहते हैं, अदर नेम व्हिच इज कॉल्ड डी टे ले एक्सेलरेशन। डिसेलरेशन मतलब क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड था, और इसको 2 सेकेंड के बाद देखा कि इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड, ये
फाइनल वेलोसिटी वी, ये है इनिशियल। तो इसके वेलोसिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, या इसको हम कहें कि चेंज इन वेलोसिटी, यहां अगर निकालें चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कर दें, तो यहां चेंज कितना हुआ, फाइनल हो गया 2, इनिशियल हो गया 5, और टाइम कितना लगा है इसको 2 सेकेंड, तो ये हो गया -3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1.5 -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी हम इस, ये जो अगर निगेटिव आ जाए तो ये होगा डिसेलरेशन, अगर पॉजिटिव आ जाए देन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव होने पर एक्सेलरेशन और निगेटिव होने पे डिसेलरेशन। अब हम जो है इसको एक्सेलरेशन समझ गए, डिसेलरेशन समझ गए, वेलोसिटी समझ गए, उसके बाद हम क्या समझ गए, स्पीड समझ गए, डिस्प्लेसमेंट भी समझ गए। अब मान लीजिए कोई ये कहे हमसे क्वेश्चन, सपोज करिए कि आपने सुबह में वॉकिंग शुरू किया, सपोज यहाँ से चलना शुरू किया, घर से यहाँ गए, यहाँ जो है घूम, ऐसे घूम फिर करके यहाँ घूमे, और ये मान लिया जाए कि ये 1 किलोमीटर चले, यहाँ तक आ गए ए से चल करके बी से गए, फिर बी से इस रास्ता से नहीं मन किया आने का, आपने ये दूसरा रास्ता ले लिया, इस वाले रास्ते से घूम के आ गए, और ये सपोज करिए कि ये 1.2 किलोमीटर, यानी ये पाथ ऐसे गए और ऐसे आ गए। अब इसमें जो है 1 किलोमीटर चले ऐसे, इधर से घूम के आ गए 1.2 किलोमीटर, तो पूछे कोई अगर कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस डेफिनेटली आप कहेंगे कि यहाँ से गए 1 किलोमीटर ऐसे गए और 1.2 किलोमीटर ऐसे आ गए, तो 1 किलोमीटर प्लस 1.2 किलोमीटर कितना हो गया, 2.2 किलोमीटर आपने घर से जाने आने का हो गया। अब अगर यही पूछता कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या डिफिनेशन है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, आप चले यहीं से ऐसे घूम के गए, फिर ऐसे घूम घूम करके फिर यहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यानी कि डिस्टेंस देखिए 2.2 किलोमीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। एक और एग्जांपल देखते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, क्वेश्चन है, जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, एक सर्कुलर पाथ है ऐसा सर्किल है, अब कोई कहे कि यहाँ से ए से चलना शुरू किया, ये ऐसे घूम करके इसका रेडियस मान लिया जाए, सपोज करें कि इसका रेडियस जो है आपका, ये मान लीजिए कि ये रेडियस जो है ये 1 मीटर है, अब ए से ये चला ऐसे घूम करके यहाँ फिर ए पे आ गया, यानी ए से चला और ए पे आ गया, तो पूछे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल, डिस्टेंस तो कितना कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे ये सरकमफेरेंस के इक्वल ट्रेवल किया, सरकमफेरेंस कितना होता है 2π r, यानी 2 × π का वैल्यू 3.14, रेडियस इज 1, तो कितना कह देंगे ये 6.28 मीटर चला, फिर यही पहुंच गया। अब अगर कहे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जहां से चला फिर वहीं पहुंच। एक और केस लेते हैं, अगर ऐसा रहता जैसा कि ये यहां से ए पॉइंट से चला और यहां से आकर के यहां पे आ गया बी पे आ गया, अब पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ इस कंडीशन के लिए, अगर कहता कि डिस्प्लेसमेंट बताओ तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, और ये रेडियस कितना है, अगर 1 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 1 + 1 डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा क्या कितना हो जाएगा 2 मीटर, और डिस्टेंस कहेगा डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, ये सेमी सर्किल, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी π × r के इक्वल हो जाएगा, 2π r/2 हाफ हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 × 1 कर देंगे, तो ये 3.14 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन इसको ध्यान रखें।
से समझने की जरूरत है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बेस्ट मोशन हो गया तीन फॉर्मूला, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी v इक्वल टू u प्लस ए टी बता दिए हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है पूरे फिजिक्स को 11 का समझ। तो ये आज कर दिया है मैंने।